रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान 3 अक्टूबर को यानी कि आज राजस्थान के जोधपुर जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें स्वदेशी हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर्स को सेना में शामिल किया जाना है और तैनाती की जानी है। जोधपुर में एयरबेस पर होने जा रहे आयोजन में चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी शामिल होंगे। देश के नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने देश की तीनों सेनाओं से कहा कि अब हमें नए थिएटर कमांड की ओर बढ़ना चाहिए ताकि जंग की तैयारियों में बेहतर समन्वय हो सके। जनरल चौहान के सीडीएस का पद ग्रहण करने के बाद ये पहली आधिकारिक यात्रा है। गौरतलब है कि जोधपुर एयरबेस पर स्वदेशी हल्के हमलावर हेलीकॉप्टरों की तैनाती हो रही है। जनरल चौहान ने तीनों सेनाओं को कहा कि आप सभी को नए थिएटर कमांड को बनाने के लिए आगे आना चाहिए ताकि तीनों सेनाएं मिलकर दुश्मनों का सामना एक साथ कर सके। भारतीय वायुसेना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का एक स्क्वाड्रन जोधपुर एयरबेस पर तैनात हो रहा है। इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती से सीमा पर आसान हो जाएगी, साथ ही आतंकी गतिविधियों पर भी विराम लगेगा।